कोरोना का कहर चारों तरफ फैलता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। वहीं अब दूसरी तरफ राजपुरा स्थित शमशान घाट में कोरोना से हुई मौत के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद पीपी किट, मास्क, ग्लव्स बाहर खुले में फेंके जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी शव भी कोरोना पॉजिटिव शवों के साथ ही जलाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान लोगों की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। लोगों का कहना है कि आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा फैल रहा है। वहीं पार्षद का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही यहाँ पर सैनिटाइज कराया जा रहा, न ही शमशान घाट के बाहर साफ सफाई हो रही है, जिससे आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। जो कि विरोध पब्लिक ने कराया, पब्लिक ने कोई विरोध गलत नहीं कराया, बिल्कुल सही विरोध कराया, क्योंकि यहाँ पे गेट के सामने बिल्कुल पीपी किट वगैरह, ग्लव जो करा है, सब चीज़ें बाहर फेंक दे रहे, और इससे कोई इसमें कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। जो कि मेरी सुबह बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैंने फ़ोन करा, SDM साहब को मैंने फ़ोन करा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। लास्ट में पब्लिक आई जब, तो तब प्रशासन की नींद जागी और तब यह प्रशासन पहुंचा। और उनका, यहाँ के लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि जो यहाँ बॉडी जल रही है, दो दो बॉडी जल रही है, एक तरफ कोरोना की बॉडी, एक तरफ जो घरेलू जिसकी मृत्यु होती है उसकी बॉडी, दोनों एक संग जल रही है। जब प्रशासन चाहता कि दो गज दूर रहे और मास्क पहने और तमाम गाइडलाइंस के उपदेश देता है, वो उपदेश का पालन यहाँ कम से कम ये शमशान घाट के अंदर तो नहीं हो रहा है। हाँ, पीपी किट खुले में फेंके जा रहा है और कोई पीपी किट का इस्तेमाल अंदर हो भी रहा, दो आदमी को ला रहा बॉडी के, बॉडी के संग, और जो कि दो 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 आदमी के बस की नहीं है जो पीपी किट से दो बॉडी को उठाकर अंदर रख सके, वो ऊपर तक रख सके। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से कम चार आदमी, सरकारी आदमी की व्यवस्था करें, उस बॉडी को उठाने का कार्य उनको दिया जाए। शमशान घाट के बाहर स्थानीय लोगों और पार्षद के हंगामे के बाद प्रशासन की नींद खुली और तहसीलदार खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर रोज दो बार शमशान घाट को नगर निगम की टीम द्वारा सैनिटाइज कराया जाएगा। साथ ही समिति के लोग एक कूड़ादान घाट के बाहर लगाएंगे, जिसमें मास्क, ग्लव्स और पीपी किट डाली जाएगी। क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जो इन लोगों की प्रॉब्लम थी कि यहाँ सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ पीपी किट्स, ग्लव्स बाहर पड़े हैं, अंदर पड़े हैं, उसको लेके मेन इनका शिकायतें थी, जिस पे बात हो गई है। नगर निगम का एक टैंकर आएगा दिन में दो बार, जो दो बार घाट को सैनिटाइज करेगा। अंदर जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं गर्ग जी, उनसे बात हो गई, वो एक डस्टबिन गेट पर रखेंगे जिसमें सुबह कूड़ा सारा डलेगा, और नगर निगम की गाड़ी आके बाहर का और डस्टबिन का कूड़ा सारा लेके जाएगी। इसके अलावा मेन इनका आ रहा था कि भाई ज़्यादा बोरियाँ हो रही हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, तो उसके लिए DM सर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। बाकी अभी सैनिटाइजेशन और सफाई के लिए इनको बता दिया है, उसकी व्यवस्था होगी। शमशान घाट के आसपास मौजूद लोग जरूर डर रहे हैं कि कहीं संक्रमण न फैल जाए, लेकिन प्रशासन को लोगों से मतलब नहीं है। ऐसे में अब तहसीलदार ने कह तो दिया है कि हर रोज दो बार शमशान घाट को नगर निगम की टीम सैनिटाइज करेगी, लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।